waves, see Ranveer's girlfriend. Good luck. जिस रणवीर पर पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं, तुमने उसको दो दिन में अपना दीवाना बना लिया। Congratulations! तुम भी करो। यार, congrats! सुहानी, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रिया, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता रिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, काम डाउन, चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ, सुहानी, टेल मी फ्रैंकली, तुम्हारे और रणवीर के बीच कुछ है क्या? प्रिया, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो तो जानती है ना, वो स्ट्रेचर वाला इंसिडेंट, ये बैनर, ये सब कुछ झूठ है। तू अच्छे से जानती है मेरी फैमिली को, मेरे सपनों को, मेरी आने की वजह को, फिर तू ऐसा कैसे बोल सकती है? अच्छा, आई एम सॉरी, पर तू रो क्यों रही है? अगर तू रोएगी ना तो सबके डाउट्स कंफर्म हो जाएंगे। इग्नोर कर इन इडियट्स को, तू जितना रिएक्ट करेगी वो और ऐसी हरकतें करेंगे। रूमर्स को सच नहीं बना पाएंगे तो तुझे रैक करने के लिए करेंगे। जस्ट लीव इट। नहीं रिया, अब मैं ये मैटर नहीं छोड़ सकती। माना सही कहती है कि आंख बंद कर लेने से प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। भाई, तू बात कर, हम आते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। रो क्यों रही हो? डरो मत, बताओ मुझे क्या हुआ। किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम बस नाम बताओ उसका। I swear, उस इंसान को आज के बाद तुम इस कॉलेज में नहीं देखोगी। तुम नाम बताओ। देखो, डरो मत। देखो, मैं जिम्मेदारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जो भी है मुझे क्लियरली बताओ। तुम बोलो, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? Thank you.
प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे रेड मार्क कर दो। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम उसे रेड मार्क कर से। तो मैंने कर दिया क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। मुझे नहीं बनना है किसी की मिस जिम्मेदारी। मैं थक गई हूँ रोज रोज के इन ड्रामों से। तुम्हें मेरा ख्याल रखना है ना, तो मेरी प्राइवेसी मेरे डिसीजन का ध्यान रखो। प्लीज यू आसपास मेरे चक्कर काटना बंद कर दो। मैं इस कॉलेज में डॉक्टर बनने आई हूँ, किसी की बंदी बनने नहीं। मेरा नाम सुहानी शर्मा है, किसी की मैं जिम्मेदारी नहीं। आज हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मुझसे जुड़ी हुई कोई भी जिम्मेदारी आज के बाद मत उठाना। जितना हो सके उतना दूर हो जाओ मुझसे। सुहानी नहीं रणवीर, ये कॉलेज, ये मेडिकल सीट, सब कुछ मैंने खुद अचीव किया है। आगे भी अपनी लाइफ हैंडल कर सकती हूँ मैं। अडल्ट हूँ, अपना ध्यान रख लूंगी। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरा ध्यान रखने की। और तुमने आज तक जो कुछ भी किया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट अब प्लीज ये सब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, हुआ क्या ये तो बताओ। मुझे गलत बोल रही हो, मेरी गलती तो बताओ। रणवीर प्लीज, उस दिन जो बात सुकेतु को समझा रहे थे वो खुद क्यों नहीं फॉलो करते? कि अगर लड़की किसी चीज को मना कर रही है तो उसकी ना की थोड़ी तो वैल्यू करो। That hurts. I hope Ranveer ka reaction dekhkar tumhe meri baat samajh aa rahi hogi. और आई होप सुहानी का आंसर सुनके तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि तुम सबके दिमाग में सिर्फ गार्बेज हो। और रही रणवीर की बात, तो मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो लड़कियों को कमोडिटी नहीं समझता। आई एम श्योर वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा। सो यू रिलैक्स। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं इस कॉलेज में डॉक्टर बनने आई हूँ, किसी की बनती। मेरा नाम सुहानी शर्मा, प्लीज मुझसे जुड़ी हुई किसी की कोई भी जिम्मेदारी आज के बाद मत उठाना। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो, जितना हो सके उतना दूर हो जाओ मुझसे आज के बाद। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो, सके उतना दूर हो जाओ मुझसे। बेटा कॉलेज में कुछ हुआ क्या? मैंने रणवीर से बोल दिया कि वो मुझसे दूर रहे। कॉलेज में सब बातें बना रहे थे माँ, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे कह दिया कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। बस तब से मन बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों।
जब दिल में तकलीफ हो ना तो एक ही जगह सुकून देती है। चल मेरे साथ। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे रेड मार्क कर दूं, तो मैंने कर दिया क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। मुझे नहीं बनना है किसी की मिस जिम्मेदारी। सोचा था तुम पे मर के, आँखों में तुमको भर के, हम जी उठेंगे फिर से, जी हम उठेंगे फिर से, पर ये मुकद्दर है जो एक कश्मकश सी है वो। उलझे तो फिर ना सुलझे, जब मुकद्दर ये उलझे, लगे जिंदगी बेवजह है, ये इश्क है या सजा है, हिजर से फुर्सते है, दिल खुशी में रजा है, जब रूखे रूखे रुख सार मेरे मांगे दुआ भीगने की, तो आश्क बन के आंखों में सिर्फ तुम 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 नारे। आप तो जानती हो मिस जिम्मेदारी मेरी लाइफ का वो सच है जिसका मैं सपना देखता हूँ। फिर ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि उसका दिल नहीं भरोसा टूटा है। क्या सच में ये दूरियाँ कभी खत्म नहीं होंगी?
बेटा, इस मंदिर की मान्यता है कि जो कोई भी उस पेड़ पे धागा बांधेगा ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये ले, तू भी धागा बांध दे। और ना, मैं वहां बैठी हूं, हो जाएगा फिर वहां आ जाना। थैंक यू बेटा, जो दूसरों का दिल से ध्यान रखते हैं ना, माता रानी उनकी झोली कभी खाली नहीं होने देती। वो पेड़ देख रहे हो, ये धागा वहां जाकर बांधना और जो मांगना हो दिल खोलकर मांग लेना, वहां सब मिलता है। तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे रेड मार्क कर दूं, तो मैंने कर दिया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। मुझे नहीं बनना है किसी की मिस जिम्मेदारी। मेरी गोरी खामोशियां। आई एम सॉरी रणवीर, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं ये कॉलेज छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ का सपना और मेरी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मिस जिम्मेदारी ने मुझे तो खुद से दूर कर दिया है, लेकिन अब उसका सपना पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। जिन ख्वाबों में लगती थी तेरे नाम की महफिले, वह रह गया बस धुआं और कुछ अधूरे गिले। तेरे इश्क की ही चोट है, तेरा इश्क ही है मरहम, तेरा इश्क ही रूबरू है, तेरा इश्क ही है परम। तेरा गम है हम है और शब है रब भी है, और कुछ न कही बातें जिनका पता सिर्फ तुम, 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 सिर्फ तुम। अब चाहे जर में डूबू, अब चाहे फना हो जाऊं, पर नामुमकिन है तुझ बिन, अब सांस भी मैं ले पाऊं। तेरे इश्क फकीरी चढ़ गई, तेरे नाम का कलमा पड़ गई, तुझे पाने की बेचैनी, अब राह में और बिगड़ गई।
सुहानी सन्ना, टू मच हो गया ना तेरे लिए, मूड भी खराब होगा। आई एम सॉरी। बट डोंट वरी, सारे बैनर्स हट गए हैं और वो बाथरूम में जो स्टूपिड चीजें लिखी थी ना, वो भी हट गया। अब तो इस पूरे इंसिडेंट को एक बुरा सपना समझकर भूल जा, और अगर तुझे कोई टॉन्ट करे ना, उसे जोकर समझ एंड मूव ऑन। मैंने इतनी अच्छी गुड न्यूज दी और तू मुझे ये एक्सप्रेशन दे रही है, हाँ? चल कैंटीन चलते हैं। नहीं रिया, ये क्लास शुरू होने वाली है। क्लास शुरू होने में पूरा हाफ एन आवर है, और हम सीनियर्स ने तुम फ्रेशर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है कैंटीन में। नॉट लाइक दैट स्टूपिड ऋषि की पार्टी, ये बहुत स्वीट मीट एंड ग्रीट टाइप पार्टी। रिया मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे लेक्चर्स भी रिवाइज करने हैं, और वैसे भी कल जो भी हुआ ना उसके बाद बिल्कुल भी मूड नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ चल ना, मूड चेंज हो जाएगा तेरा। रिया प्लीज इतना मत कर, मेरा मन नहीं है। लगता है सुधा वाली टैक्टिक यूज करनी। सुहानी तुझे मेरी कसम है, चल पार्टी में। देख ट्रिक सुधा की है, पर कसम पूरी जेन्युइन है, मेरी कसम। पूरे कॉलेज के सामने तमाशा होने के बाद कैसे करूंगी मैं सबका सामना? मैं कैसे समझाऊं रिया को कि उसकी ये कसम मैं नहीं मान सकती?